हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13B का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x वेर एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर है? तो यहां पे हमको सेक थीटा का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 1/4x और यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं मतलब एक्स के जगह पे 0 नहीं रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स के जगह पे 0 रखते हैं तो 4 × 0 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1/0 हो जाएगा। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? इन्फिनेटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया है क्वेश्चन में। हमको क्या करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में भी पूछा है, उसके रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। क्लियर है? अब हमको sec थीटा मालूम है, अगर tan थीटा मिल जाएगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा का भी वैल्यू पता चल जाएगा। अब sec थीटा का यूज करके tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। sec थीटा मालूम है, हमको tan चाहिए, तो tan कैसे मिल सकता है? तो tan को यहां पे अकेला करना होगा, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec का वैल्यू मालूम है तो tan भी निकल जाएगा। ठीक है? तो लिखेंगे यहां पे कि सिंस वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? अब हमको sec थीटा का वैल्यू मालूम है x प्लस 1/4x, यहां पे हम sec थीटा के जगह पे लिखेंगे x प्लस 1/4x और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहां तक? अब हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर देंगे, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/4x है। ठीक है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1/4x, ये कर दिए। और यहां पे माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल। ठीक है? और 4 जो है 2 टाइम्स में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 बचेगा केवल। x x कैंसिल और 4 जो है 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, यहां पे प्लस 1/2 माइनस 1। तो क्या होगा अगर 1/2 माइनस 1 करेंगे? तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, यहां पे 1 और यहां पे माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या होता है? माइनस 1/2, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे इसको यहां पे। तो इधर पार्ट हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे यहां पे क्या आया है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है? तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? x का स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर को हम 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है? यहां तक माइनस 1/2 को हम ये लिख सकते हैं माइनस 1/2 × x × 1/4x लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से जब कैंसिल होगा, सॉरी यहां पे माइनस 1/2 को हम लिखेंगे 2 × x × 1/4x, माइनस 1/2 की जगह पे लिखेंगे। कैसे? क्योंकि जब ये सिंप्लीफाई होगा तो x से x कैंसिल और ये 4 जो है 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमको 1/2 ही मिलेगा। ठीक है ना? जैसे कि यहां पे हुआ था, यहां पे जस्ट वही फॉर्मेट वहां पे भी है। क्लियर है? तो इस पूरे को हम इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने से फायदा क्या हुआ, तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम x को a लेट करते हैं और 1/4x को b लेट करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a × b,
यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी फॉर्म का हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन होता है किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस पूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे तो x है, माइनस बी की जगह पे क्या है, 1/4x इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको टैन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू मालूम चल गया, जो कि है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते थे कि अगर हम x प्लस 1/4x स्क्वायर किए तो अंतर कहाँ का था, केवल यहाँ पे प्लस 1/2 का था केवल, और कोई यहाँ पे कोई अंतर नहीं था, जबकि यहाँ पे माइनस है। तो यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा मालूम चल गया, लेकिन हमको टेन थीटा चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, यहां पे माइनस होगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लास्टली मेरे पास क्या बचेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x, ठीक है। तो यहां से हमको टैन थीटा का वैल्यू मालूम चल गया। तो टैन थीटा के यहां पे दो वैल्यू आया है, एक प्लस में एक्स माइनस 1/4x और एक माइनस में एक्स माइनस 1/4x। तो दोनों का एक बार दोनों का बारी बारी से रख के इस इक्वेशन में, मतलब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं, तो इधर हम क्लिक करेंगे, उससे पहले पॉज करके नोट कर लें। अब हम sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको sec भी मालूम चल गया और tan थीटा भी मालूम चल गया। तो लिखेंगे नाउ, अच्छा यहां पे tan थीटा का दो वैल्यू आया है, तो पहले हम प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि when tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x, ठीक है, यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू लिए हैं। तो अगर टैन थीटा का हम प्लस वाले वैल्यू लेते हैं, तो उस केस में sec थीटा, देयरफॉर sec थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो उस केस में आएगा, तो sec थीटा क्या है मेरा, x प्लस 1/4x, और टैन थीटा क्या है, x माइनस 1/4x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1/4x और प्लस 1/4x कैंसिल, तो x प्लस x क्या बच गया मेरा, 2x बच गया, ठीक है। तो ये पहला है, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। अब केस सेकंड देखेंगे यहां पे, तो केस सेकंड में क्या लेंगे कि व्हेन टैन थीटा इज इक्वल टू, अब माइनस वाला वैल्यू ले रहे हैं, तो माइनस एक्स माइनस 1/4x, ठीक है। यहां पे sec थीटा का एक ही वैल्यू है, लेकिन टैन थीटा का दो वैल्यू आया है, तो देयरफॉर sec थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा, तो sec थीटा है x प्लस 1/4x, और यहां पे प्लस, अच्छा एक ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर हम इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/4x के सामने वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो हम इसको पहले लिख रहे हैं, और x का सामने वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है, यहां तक ऐड करना था। तो अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, लास्टली क्या बचा, 1/4x प्लस 1/4x, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 4x होगा, और ऊपर बचेगा 1+1, तो 1+1 2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2x आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पे हमको sec थीटा प्लस tan थीटा का दो वैल्यू मालूम चला, एक 2x और एक 1/2x, तो लास्ट में लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा किसकी इक्वल है, 2x या फिर 1/2x के इक्वल हो सकता है। अगर हम ये वाला वैल्यू लेंगे तो 2x इक्वल आएगा, अगर tan का ये वाला वैल्यू लेंगे तो 1/2x का। तो यहां पे sec थीटा का दो वैल्यू आ सकता है, एक 2x भी आ सकता है और एक 1/2x भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरह से, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।